नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में 10 मई को दुनिया की जानी मानी मैगजीन टाइम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डिवाइडर इन चीफ शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका हिंदी में अर्थ है बांटने वाला। जिसके बाद टाइम ने इस कवर पर दुनिया में बवाल भी मचा था। मगर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के ठीक 6 दिन बाद टाइम मैगजीन के सुर बदल गई। टाइम को अब यकीन हो रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बांटने वाले नहीं बल्कि भारत को जोड़ने वाले नेता हैं। टाइम ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि जो दशकों में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया। मैगजीन में यह आर्टिकल मनोज लाडवा ने लिखा है, जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी फॉर पीएम का कैंपेन चलाया था। लेख में इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई है कि नरेंद्र मोदी ने देश में काफी समय से चल रहे जातिवाद को खत्म किया है और एकजुट कर लोगों का मत प्राप्त किया है। नरेंद्र मोदी ने पिछड़ी जाति के लोगों को अपने हक में लाने में कामयाबी पाई है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया अभी भी नरेंद्र मोदी को अगड़ी जाति के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। लेख में नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लिखा गया है कि किस तरह उन्होंने एक गरीब परिवार से होते हुए भी देश के सबसे बड़े पद पर जगह बनाई और गांधी परिवार से राजनीति लड़ाई लड़ी। आगे लिखा कि पिछले 5 साल में कई आलोचनाओं के बाद भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश को एक सूत्र में परोया है, वैसा पिछले 5 दशक में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। बता दें कि चुनाव से पहले मशहूर अमेरिकी मैगजीन टाइम ने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी राय रखी थी, जिसके अनुसार भारत में मोदी के खिलाफ कोई बेहतर विकल्प नहीं है। बहुसंख्यक आबादी उन्हें एक ऐसे शख्स के रूप में देखती है जो समाज में विभाजन करने का काम करता है। साथ ही ये भी कहा था कि दिल्ली की सत्ता पर वो एक बार फिर से काबिज हो सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 303 सीटों के साथ बड़ी जीत मिली है, तो वहीं उनके गठबंधन एनडीए को कुल 353 सीटें मिली हैं। ऐसा लंबे समय के बाद ही संभव हो पाया है कि जब एक ही दल की सरकार लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई हो। जिस तरह से टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी को लेकर सुर बदले हैं, उस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकेंड। शुक्रिया।